इधर पत्थर वत्थर और थोड़ा मतलब तालाब की तरह है। ये तो चलो हम आपको दूसरी साइड भी दिखाते हैं आगे। तो सामने एक चर्च है गाइस, देख सकते हो उस साइड पे एक चर्च है, और बाकी तो होम स्टे देखने को मिल रहा है। चलो हमें आगे। सो बाकी गाइस यहाँ पे कितना क्लीन है वो सब आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे कुछ वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम डिजिटल ब्लॉग्स। और काफ़ी अंधेरा है, मैं निकल रहा हूँ सुबह सुबह नए ब्लॉग के शूट पे। तो यहाँ से अच्छा हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग रहेगा वो रहेगा गाइस ECS क्लीनेस्ट विलेज, जो कि मेघालय में जिनको मिला था एक किताब ECS क्लीनेस्ट विलेज, तो उस विलेज पे हम जाएंगे। कितना क्लीन है सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो अगर तो को चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो। बाकी इधर अभी कोहरा मोहरा गिरा है, मतलब फॉग है, तो अभी देख के जाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो बस देखते रहो और हम लोग चलते हैं। सो गाइस बेसिकली सुबह सुबह गाड़ी का हालत आप देख सकते हो, उसको अभी साफ करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट विदाउट साफ किए हुए हम इस पर बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं इसको चकाचक कर लेता हूँ और अपना वीडियो पे स्टार्ट करूँगा। उसको अनलॉक भी करना पड़ेगा, बाकी प्रॉब्लम तो नहीं है बाइक में कोई, बस इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा गाइस। तो चलो हम आप लोग देखो वीडियो, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो राइडिंग। सो गाइस फिलहाल हम लोग रोड पे और अपनी जो जर्नी है वो हो चुकी है शुरू। और गाइस अभी हमें उधर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे, मतलब ECS क्लीनेस्ट विलेज में, और उसके बाद हम लोग अपनी नई जर्नी उधर से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी गाइस अभी ठंड बहुत है, मैं तो अपना ग्लोव्स को याद कर रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसका याद मुझे हमेशा आएगी जब तक मैं इसको सही नहीं करूँगा, सारी चीज़ें याद नहीं करूँगा। आई थिंक मुझे एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा कि अपकमिंग ब्लॉग्स के लिए मुझे क्या क्या लेके आना है, क्योंकि इसकी जो है हर जगह मेरा प्रॉब्लम होता ही रहता है, तो इसको आई नीड टू सॉर्ट आउट फास्टली। इसलिए मैं आगे क्या करूँगा, आगे एक सॉर्ट आउट मतलब एक स्क्रिप्ट बनाऊँगा कि ट्रैवल्स में जाने के लिए पहले मुझे क्या क्या कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा नीडेड हो गया है और इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहो और हम लोग चलते ही रहते हैं। सो गाइस हालत देख सकते हो, फॉग ही फॉग है चारों ओर, ये पहाड़ी का साइट है जो काटा हुआ है, आई थिंक बीच में से कोई रोड बनेगा या क्या होगा। बाकी अभी सुबह सुबह ट्रक ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हो आगे से एक ट्रक आ रहा है, और मौसम बहुत ही ठंडा है, मेरा हाथ का हालत ख़राब हो गया, ग्लव्स तो लेके ही नहीं आया, तो अभी तो वैसे ही जाना पड़ेगा आज मुश्किल से। तो अभी चलते हैं और फिर ECS क्लीनेस्ट विलेज दिखाते हैं आपको, मुझे भी देखना था ECS क्लीनेस्ट विलेज कितना क्लीन है। हालांकि रिसेंटली एक ने वीडियो बनाया था देखा था, बट उतना मज़ा नहीं आया कि पूरा नहीं दिखाया ना। तो चलो हम लोग थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सके ECS क्लीनेस्ट विलेज कितना क्लीन है आप लोगों को। मैं तो देख चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो बाकी आप लोगों का भी दिखाता हूँ ECS क्लीनेस्ट विलेज। और मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ अपने साथ, क्योंकि देखो गाइस हम लोग जो जर्नी करने वाले हैं वो आज का जर्नी सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होगा, तो इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ब्रेकफास्ट लेके आए, शायद कहीं पे खाना ना मिले ऐसा दिक्कत हमें हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करके करेंगे अपने जो बैग पे लेके आए उन्हीं सामान से। तो बेसिकली चलो हम लोग चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं एकदम विलेज रोड पे, इधर से 3 किलोमीटर जाना है, तो चलो हम लोग चलते हैं और आप लोग बस देखो आगे क्या मिलता है रोड। बाकी फॉग तो प्रॉब्लम कर ही गई, ऑलरेडी कर रहा है मेरे साथ, पता नहीं अभी आगे क्या होगा। जल्दी जल्दी धूप आ रहा है, मज़ा आएगा फिर, इस साइड थोड़ा धूप देखने को मिल रहा है। सो गाइस इधर आप लोग बेसिकली आओ तो फॉग वगैरह देख के आओ, वैसे भी रोड उतना हाई लेवल का ही है और गाड़ी भी बहुत आता रहता है, तो चलो हम लोग चलते हैं और आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। नेशनल हाईवे से चल रहे हैं और इधर से 34 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आई थिंक ECS क्लीनेस्ट विलेज के आसपास, तो उसके बाद और थोड़ा जाना पड़ेगा फिर हम लोग अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बाकी इधर अच्छा है क्योंकि इधर फॉग वगैरह कुछ भी नहीं है और मस्त जो सूरज है वो उग चुका है और मस्त मस्त क्लीन है, मतलब धुआँ है,
और थोड़ा गर्मी गर्मी टाइप का एरिया है, तो मज़ा आएगा अभी थोड़ी देर ड्राइव करने में। देखते हैं कब तक रहता है, अगर पूरा रास्ता ही रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। बाकी आप लोग चल देखते रहो और हम लोग चलते रहते हैं अपनी जर्नी पे। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो इस साइड पे कितना मस्त सीन चल रहा है, और इधर फॉलिंग रॉक्स है तो देख के चलो। और गाइस इधर से विलेज का मतलब जो एरिया है पहाड़ी का, वो एरिया आप लोग देख सकते हो, उधर फॉल्स है, वाटरफॉल्स। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मस्त आएगा, और काम चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। सो थोड़ा गर्मी टाइप का है, थोड़ा मज़ा आएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं है अभी, इसकी ज़रूरत थी हमें, तो वो लगभग पूरी हो गई है। अभी देखते हैं कितना दूर रहता है। बाकी हम लोग इधर देख सकते हो 20 स्पीड लिमिट है, बट हम 20 स्पीड पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड जा रहे हैं हम लोग। सो इधर वर्किंग जो इन प्रोसेस चल रही है देख सकते हो, उस सब जैसे भी वैसे भी सब कुछ रेडी है। तो गाइस चलो देखते रहो आप लोग वीडियो। सो गाइस अभी जहाँ पे हूँ मतलब यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होता ही रहता है, तो यहाँ पे बोर्ड में इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो आप लोग अगर इस साइड आ रहे हो तो थोड़ा बोर्ड क्लियर चेक करके देखो कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर लैंड स्लाइडिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ी एरिया है। बाकी व्यू तो मज़ेदार मिल रहा है, इस साइड पे भी बहुत ही अच्छा व्यू है, आप लोग देख रहे होंगे व्यू को। बाकी अभी हम लोग इधर से चलते हैं, और काफ़ी दूर जाना है, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास अभी भी जाना है। लगभग हम लोग पहुँच जाएँगे 7 बजे या 8 बजे, सॉरी 35 किलोमीटर जाना है, तो हम लोग पूरी लगभग 7 बजे पहुँच जाएँगे। तो अभी तो चलते हैं हम लोग, बाकी आगे देखो सन देखने को मिल रहा है और हाई लेवल का धूप दे रहा है, अच्छी बात है, धूप की ज़रूरत है हमें। तो अभी हम लोग चलते हैं और आप लोग बस देखते रहो हमारे साथ। सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं पहाड़ी के साइड से और ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी मस्त जगह है ये वाला भी, तो देख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हैवी लैंड स्लाइडिंग का, तो देख के अभी चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। और इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा मस्त व्यू पॉइंट है, और इधर का टर्निंग बहुत डेंजर है, तो टर्निंग पे हॉर्न ज़रूर मारना, क्योंकि देखो टर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाकी इस साइड आप लोग देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में बताना। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं और आगे शायद विलेज कुछ टाइप का, सिटी टाइप का कुछ मिलेगा, देखने को मिल रहा है, वो भी हम उसी रोड से जा रहे हैं। यहाँ पे एक विलेज है गाइस, वो विलेज का ही बता रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं। सो गाइस अभी जो रोड मिला है मतलब क्लीनेस विलेज जाने का रोड और प्लस दाव की इसी से ही जाते हैं, बट आई थिंक ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे काम कर रहे हैं रोड्स पे, तो यहाँ पे काफ़ी देख के जाना पड़ेगा। ये रोड उतना हाई लेवल पे नहीं जा सकते, इसीलिए शायद गूगल ने टाइम ज़्यादा बता दिया कि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये वाला ख़राब रोड है, और अगर इधर क्लीन रोड होता तो हम लोग काफ़ी स्पीड पर गाड़ी चला सकते थे, बट अभी देखते कैसे होगा। बाकी गाड़ी तो आ रही है, हम भी जा रहे हैं, बस थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में रोड क्लोज है क्योंकि काम चल रहा है, इधर थोड़ा रोड क्लोज है, सिंगल गाड़ी आ सकते हैं अंडी। सो हम तो कैसे भी चलेंगे गाइस, चलते रहो। बाकी आप लोग देखते रहो, हमारा तो ये चलता ही रहता है, खराब रोड ये रोड वो रोड, तो हम सबको धीरे धीरे क्लोज कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं अपनी जगह पे डेस्टिनेशन।
सो गाइस, मौसम का हालत कुछ अच्छा नहीं है। मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करूंगा, बारिश मत देना। अगर बारिश दे दिया तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा और ब्लॉग क्या कुछ भी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गोप्रो का वाटरप्रूफिंग भी करना पड़ेगा। अभी टैप में लेके नहीं आया, हाँ हालांकि एक छोटा सा टैब है बट उससे नहीं होगा आई थिंक। तो मैं ऊपर वाले से बस वही दुआ करूँगा बारिश ना आ जाए। हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचने वाले हैं, 15 मिनट लगेगा, हम लोग बना के आ जाएंगे। फिर इस साइड बारिश देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट अभी बारिश ना आए तो वही बेटर है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलो गाइस, हम लोग लगभग पहुँचने वाले, 6 किलोमीटर बचा हुआ है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। सो अभी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने वाले ACS किडनीज विलेज। बस ऊपर वाले की थोड़ी मेहरबानी है तो बारिश का नामो निशान थोड़ा कम दिख रहा है, बट मेरे को नहीं पता, फिर भी मैं ऊपर वाले से दोबारा दुआ करूँगा बारिश ना आ जाए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनल विलेज पे, जहाँ पे देख सकते हो अभी इधर कितना ग्रीन एंड ग्रीन है। बाकी अभी इधर से हम लोग थोड़ा घूमते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ACS किडनीज विलेज। मैं अभी रुकने वाला हूँ रास्ते पे, तो गाइस अभी रुक के उसके बाद मैं आगे आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस काफ़ी कुछ आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कोई एक जंगल बंगल कुछ भी नहीं दिख रहा है। रास्ते भी थोड़ा क्लीन है। वो वाला होगा रोड साइड गाइस, तो हम उस तरफ जाएंगे। जो चलो। तो बाकी गाइस यहाँ पे कितना क्लीन है वो सब आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे कुछ देखने को मिल रहा है। पब्लिक टॉयलेट इस साइड पे है और रिजॉर्ट वगैरह रेस्टोरेंट्स कुछ मिल सकता है, बट हम लोग सुबह सुबह आए ना तो बेसिकली ज़्यादा कुछ खोला नहीं है। नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल एंट्री पॉइंट, पता नहीं, हम लोग चलते हैं गाइस। तो बेसिकली हम इसी रोड से डायरेक्ट अपनी नेक्स्ट जर्नी करेंगे। यहाँ पे ACS किडनीज विलेज जा रहे हैं हम लोग। गाइस मज़ेदार दिख रहा है मेरे को, आप लोग कैसा दिख रहा है आप लोग बताना। सो यहाँ पे देख सकते हो ACS किडनीज विलेज आप लोग, एकदम मस्त है। इधर इतने तक ही है, बाकी हम उधर जाके एक दो फोटो खींचेंगे गाइस ACS किडनीज विलेज। इधर रोड इतना ही है गाइस, ACS किडनीज विलेज का रोड मतलब टूरिस्ट के लिए। मैं उधर जाऊंगा ना, उधर जाके फोटो खींचना पड़ेगा ना आगे। सो फाइनली गाइस हम लोग ACS किडनीज विलेज पे, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। दिलवर भी आ चुका है, तो बेसिकली काफ़ी मुश्किल से सुबह सुबह हम लोग इधर आए हैं और हमारा मोटिव था कि हम सुबह सुबह आ जाए और भी बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस है वो आपको दिखाएं। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं और इधर एक ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करके ऊपर जाना है, फिर थोड़ा बहुत व्यू दिखाना है। बाकी मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं मिला, इधर प्लास्टिक शायद बैंड है, इधर आपको प्लास्टिक देखने को नहीं मिल सकता और मिलेगा भी तो डस्टबिन पर, बट मुझे नहीं पता इधर होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं ACS किडनीज विलेज इससे। बाकी नीचे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी अभी नीचे मैं जाऊँगा और जाके मैं नीचे से आपको दिखाऊँगा गाइस। बाकी यहाँ पे शिलोंग और विलेज का रोड मिलेगा, एग्जिट पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं गाइस और नीचे यहाँ पे क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। कुछ झरने वरने होंगे नीचे बेसिकली, तो यहाँ पे नीचे भी जाने का ऑप्शन है। सो नीचे देख सकते हो झरने वरने हैं पानी के लिए। बाकी तो इस साइड पे कुछ नहीं है, उधर उस साइड पे कुछ और है तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलो इस साइड पे, तो इस साइड पे एक तालाब का जैसा झील बना हुआ है और इधर मछली वछली हो सकता है। तो इधर से अभी किस तरफ जाएंगे देखते हैं गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस इधर का व्यू देख सकते हो, इधर से पानी गिर रहा है, गिर के उधर नीचे जा रहा है चारों ओर से। तो इधर पत्थर और थोड़ा मतलब तालाब की तरह है, इधर उधर ऊपर जाने का ऑप्शन है टूरिस्ट प्लेस, तो उधर भी हम जाएंगे। बाकी आप इस साइड पे देख लिए, तो चलो हम आपको दूसरी साइड भी दिखाते हैं आगे। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे ट्री हाउस जो कि ऊपर है, तो चलो हम लोग ट्री हाउस पे जाते हैं और फिर इधर आपको दिखाते हैं, आगे बात करते हैं जाने के लिए देखें कि नहीं।
₹20 पर हेड। ये तो बंद है बांग्लादेश व्यू पॉइंट। तो अभी तो फिलहाल बंद है, पूछना भाई ऊपर जा सकते क्या 9 बजे के बाद। तो गाइज बेसिकली ऊपर जाना अभी अलाउड नहीं है, 9 बजे के बाद होगा, तो अभी तो ये वाला नहीं हो पाएगा गाइज। तो हम लोग अभी देखते इस तरफ थोड़ा बहुत कुछ है कि नहीं, बाकी दिखाते हैं आपको अगर कुछ इस तरफ भी मिलता है। बाकी तो क्लीन है जैसा आप देख रहे हो, एकदम क्लीन एंड क्लीन है। तो हम लोग अभी इधर से थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे कुछ और है कि नहीं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सामने एक चर्च है गाइज, देख सकते हो उस साइड पर एक चर्च है। तो यहाँ पे एक कुछ होगा, देखते हैं हम लोग इधर क्या है। और बाकी तो होम स्टे देखने को मिल रहा है। चलो हमें आगे थोड़ा और चलते हैं, फिर उधर जाके अपना गाड़ी लेके फिर निकल जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ACS क्लीनेस्ट विलेज से निकल रहे हैं, आगे कुछ देखने को मिलेगा या नहीं वो तो आप लोगों को पता है। बाकी हम लोग चलते हैं ACS क्लीनेस्ट विलेज से, और यहाँ पे कुछ और है होगा कि नहीं वो भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। तो गाइस थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी अगर बारिश थोड़ा कम हो तो बेटर रहता है। देखना पड़ेगा अभी कौन सा रोड था, ये तो घर का है, यही वाला रोड है गाइस। और कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं। सो गाइस अगर और कुछ देखने को नहीं मिलता है तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। बाकी ये विलेज कितना क्लीन है आप सीधा कमेंट पे जाके बताना। बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर वीडियोज़ के लिए आलम डिजिटल ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे बस होम स्टे वगैरह वगैरह सब कुछ मिल रहा है। सो गाइस मैं आई थिंक बेसिकली मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली लास्ट पार्किंग साइड है, तो इधर वाटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद टॉयलेट्स वगैरह, उसके बाद और कुछ है क्या इधर? इधर एक रोड है, अरे ये वाला बंद है। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली और कुछ नहीं है, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों का चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।